आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है अपनी जड़ों को मजबूत करना। अपनी जड़ों को मजबूत करना, हम जड़ पर, रूट्स पर हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारो। मजबूत जड़ वो होती है जिसके फल स्वादिष्ट होते हैं और हरियाली होती है। वो उस पेड़ों का फल माना जाता है जो अच्छे पेड़ का है, अच्छी जड़ों का है। तो प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ऐसी जड़ वाले पेड़ हमें बनाना चाहता है। बिलीवर्स को, विश्वासियों को, हम मसीहों को परमेश्वर ऐसे मजबूत जड़ वाले पेड़ बनाना चाहता है। तो अपनी जड़ों को, रूट्स को मजबूत करने के लिए आज हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। आइए 2 सेकंड की हम प्रार्थना करें। पिता, हमारी आत्मिक आंखें खोलिए, आत्मिक मन को खोलिए पिता परमेश्वर, कि आपके वचन को हम सुन सके, सीख सके और आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। प्रभु जी, प्रभु आपकी प्रेरणा को धन्यवाद करें। सुनने वालों को आशीष दे, मुझे अपने कब्जे में कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। जी हाँ, अपनी जड़े मजबूत करना। भजन संहिता 1 अध्याय और 3रा वचन। भजन संहिता अध्याय 1 और वचन 3 बहुत ही प्रसिद्ध अध्याय है, भजन संहिता का 1 अध्याय। पर हम पूरे अध्याय पर ना बात करते, एक वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 1 अध्याय 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहां इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर के वचन में बताया गया है उस व्यक्ति के बारे में, उस पुरुष के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न है, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है। उस व्यक्ति की तुलना की जा रही एक उस व्यक्ति की तुलना की जा रही एक पेड़ ऐसे वृक्ष के साथ जो बहती नाली के किनारे लगा है, बहती नाली के किनारे लगा हुआ है। इस पेड़ का फलना, जो पेड़ हमें बताया जा रहा है, इस पेड़ का फलना और इसकी सफलता, फलना और इस पेड़ की सफलता, ये 2 बातों पर निर्भर बताई जा रही है यहां पे। एक है उसकी जगह और दूसरी है उसकी जड़। जगह और जड़, ये 2 चीजें बताई जा रही है और ये 2 चीजें निर्भर करती इस बात पे कि वो पेड़ किस प्रकार से फलता है और स्वादिष्ट और बहुत अच्छे फल उसके अंदर लगते हैं। यहां लिखा है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के पीछे चलता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। जगह बताई जा रही है जहां लगातार पानी हो, बहती नाली या नदी या जो कुछ ऐसी जगह जहां पे लगातार सारा टाइम पानी बहते रहता हो, पानी लगातार मिल रहा हो, उस स्थान पे उस पेड़ को लगाया गया है। वो जगह बताई जा रही है जहां पे वो पानी बह रहा है। दूसरा कारण बताया जा रहा है जड़। जड़ उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है और वो अपनी ऋतु में फलता है। मतलब जब वो जिसका समय आता है, सीजन आता है, उस सीजन में वो फलता है। तो जगह और जड़, ये 2 चीजें मायने रखती है उस पेड़ के फलने के लिए, उसकी सफलता के लिए। दरअसल ये बात हमारे क्रिश्चियन लाइफ को लेकर है, मसीही जीवन को लेकर ये बात बताई जा रही है कि हमें हमारी जड़ों को देखना जरूरी है। क्या हमारी जड़ें बहती नाली के किनारे लगी हुई है? बहती नाली का मतलब यहां पर हम ये है कि जो जीवन का झरना है, जीवन का सोता है प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु यीशु मसीह के झरने के पास मैं बैठा हूं। मतलब क्या मैं परमेश्वर के वचन के पास बैठा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन की संगति कर रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के वचन के साथ चल रहा हूं? मेरी स्थान क्या है वो मुझे जानने की, जांचने की आवश्यकता है। फिर अगर मेरा स्थान वो है तो मेरी जड़ें कितनी गहराई में चली गई, क्योंकि जितनी गहराई में जड़े रहेगी उतने ज्यादा वह हरा भरा होगा वह पेड़ और उसके फल आशीषित होंगे। हमें अपनी जड़ों की जांच करने की जरूरत है, उन जड़ों को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी लोग ऐसी बातें करते हैं कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, पर वो जड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे अभी अमित भाई प्रार्थना कर रहे थे, सचमुच हमें ये प्रार्थना की आवश्यकता है। मुझे अचानक एक किस्सा याद आया, एक हमारे जानकारी के एक परमेश्वर के सेवक है,
और उन्होंने अपना जीवन सारा जो है इस प्रकार की बच्चों की सेवा के लिए, विशेष रूप से अनाथ बच्चे, ये जो गलियों में घूमने वाले, बाजारों में घूमने वाले, भीख मांगने वाले या तकलीफ उठाने वाले बच्चे या जैसे भी अनाथ बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के बीच में सेवा करने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने अपनी संगति के लिए, अपने साथ चलने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया, बहुत ही अच्छे प्रचारक, पास्टर्स बोल दीजिए या फिर बड़े लेवल के जो मिनिस्टर थे, उन सबको इकट्ठा किया और उनके सम्मुख उन्होंने एक प्लान शेयर किया कि भाई प्रभु ने ऐसा ऐसा दर्शन दिया है, ऐसी ऐसी बात किया है, तो हम लोग भी प्रेयर करते हैं। प्रेयर के बाद लगातार वो मिलते रहे, कुछ हफ्तों तक मिलते रहे और उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ प्लान करना है, हमें कुछ बच्चों को काम करना है। तो सबने अलग अलग सलाह दिया कि भाई हम एक हॉस्टल स्टार्ट कर लेते बच्चों के लिए, किसी ने कुछ सलाह दिया। उन्होंने कुछ बातें समझाया कि हॉस्टल स्टार्ट करना ये इसका पर्याय नहीं है, हॉस्टल के बच्चों या फिर इस टाइप के बच्चों में बहुत सारा अंतर होता है। तो उन्होंने एक योजना बनाई, हॉस्टल चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, पर एक चीज का हम जितने भी लोग हैं, हम वो जो टीम खड़ी थी उनकी वाली, अच्छे अच्छे प्रचारक, अच्छे अच्छे सेवक वहां खड़े थे, उन्होंने एक प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक एक बच्चे को अपने अपने घर ला लेते हैं, अपना बच्चा बना के रख लेते हैं। हम बहुत सारे बच्चे, 100-100 बच्चे नहीं पाल सकते हैं, एक परिवार एक बच्चा, अपने बच्चे के समान हम उनको रखेंगे। पता है क्या हुआ, सबने इस बात का एक्चुअली चुप हो गए कि अब हम क्या जवाब दें, कैसा करें। धीरे धीरे करके वो टीम टूट गई, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। फाइनली ये साहब ने अपने ही बलबूते पर जितने बच्चों को वह रख सकते अपने साथ, 2-3 बच्चों को लिया और उनको अपने घर में बच्चा बना के रहा। तब सोचने वाली बात यह है कि कई बार जड़ों को जांचना जरूरी है कि जो हम मसीह होने का दावा करते हैं, विश्वासी होने का दावा करते हैं, लेकिन जब एक्शन में उसको लेना है, प्रैक्टिकल लेवल पर एक्शन में लेना है, तो कई बार हम असक्षम और असफल हो जाते हैं। तो मैंने पहले बताया कि हमें हमारी जड़ों को देखना है, क्या मेरी जड़ें, क्या मेरी जगह यीशु के वचनों के साथ चल रही है, यीशु के पास बैठा हूं, यीशु मुझे जो आदेश देगा, यीशु मुझे जो बताएगा, मैं वो करने को तैयार हूं। सारे काम बहुत बड़े लेवल पर करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम छोटे स्तर पर भी, एक सामान्य स्तर पर भी हम यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की, क्रिश्चियन लाइफ की बात कर रहे हैं कि हमें हमारी जड़ों को ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मेरी जड़ें इतनी मजबूत है। कई बार लोग आशीषों को देखते हैं कि मुझे मेरे जीवन में आशीष नहीं आ रही है, प्रभु को छोड़ देते हैं। कई बार लोग सोचते कि मेरे साथ अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो इतना सब कर रहा हूं और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, प्रभु को छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे सोचते लोग, कुछ लोग तर्क वितर्क करने वाले भी लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये वचन ऐसा नहीं था, ये वचन वैसा था, ये वैसा नहीं था वैसा था। कुछ चले यीशु के साथ एक दिन आए और यीशु मसीह उस दिन प्रचार कर रहे थे इस बात पर कि वास्तव में मेरी देह खाने की चीज है और वास्तव में मेरा लहू पीने की चीज है। पता है कुछ चेलों को ये बात पसंद नहीं है, कुछ चेलों के बात पसंद नहीं कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे, क्यों हम आपका शरीर खाए, क्यों आपका लहू पिए। यीशु मसीह कुछ अलग संदर्भ में बातें कर रहे थे और उनको बात पसंद नहीं आई और वो बात को नापसंद करते हुए लिखा है वचन में कि वे चेले वापस उल्टे पांव लौट गए। ये वो लोग थे जो ये सोचते थे कि यीशु हमारे तरीके से चले, हमारे तरीके से काम, जो हमारे लिए सही है वो हमें सुनाए। वो सब चेले उठ के वापस चले गए, लिखा है दोबारा लौट कर नहीं आए। यीशु मसीह ने अपने चेले, अपने दास पत्रस से बात किया, तू भी जाना चाहता है। पत्रस ने जवाब दिया, प्रभु हम कहां जाए, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में। सब चले गए। तो कभी कभी जड़ों को ना जांचने की वजह से, अपनी जड़ों को मजबूत ना करने की वजह से लोग मसीह से दूर हो जाते हैं, मसीह की आशीषों से दूर हो जाते हैं और मसीह के कामों से दूर हो जाते हैं। आज जो हम सीखने जा रहे हैं यही बात कि किस प्रकार हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। ये जो टाइम हमें दिया परमेश्वर ने, ये जो COVID-19 का जो टाइम था, काफी समय लंबा लॉकडाउन का समय चला, सब लोग कलीसिया से दूर रहे, कामों से दूर रहे, घर में ज्यादा समय बिताना पड़ा, घर के अंदर बैठे रहे, कभी सोचे क्या इसके अंदर भी कुछ सकारात्मक बात प्रभु ने रखी है मेरे लिए। ये समय जो प्रभु ने मुझे दिया है, ये समय इसलिए दिया है ताकि मैं अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करूं। ये दरअसल जड़ पकड़ने का अवसर था, ये जो अवसर में चांस हमें मिला है, ये जड़ पकड़ने का अवसर था। बाकी समय में शायद हम नहीं कर पाए,
बिजी होने की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से हम जितनी प्रार्थना हमें हमने करना था नहीं कर पाए, जितना वचन पढ़ना था उतना वचन नहीं पढ़ पाए, जितना प्रभु के साथ चला था नहीं चल पाए। लेकिन ये जो समय दिया प्रभु ने हमें, 6 महीना 8 महीना जो समय दिया था, ये समय बहुत ही गोल्डन समय था। मैंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि हमारे लिए अवसर मिला है, इसका पूरा फायदा उठा लो। अवसर था मेरे प्यारों, स्पेशली अवसर ये था यीशु मसीह में जड़ पकड़ने का, क्योंकि अगर यीशु मसीह में आप जड़ पकड़ते हो वही मायने रखता है, दुनिया की कोई चीज मायने नहीं रखती मेरे प्यार। हमारे लिए ये टाइम था, हमारे लिए टाइम था कि हम पूरी बाइबिल को पढ़ के निकाल ले, 1 बार 2 बार 3 बार बाइबिल पढ़ सकते थे। समय था हमारे पास, हम घंटों घंटे प्रभु के चरणों में बैठकर दुआ में प्रार्थना में समय बिताते थे और प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु मेरे लाइफ से क्या करवाना चाहता है वो बात जाने, प्रेयर वो होती है। कई बार हम प्रार्थना के लिए यही बैठते कि मेरा खाना पीना नौकरी बच्चे कपड़े लत्ता ये वो चीजें की बात करते हैं, दैट इज नॉट प्रेयर। वो तो ऐसी चीज है जो परमेश्वर यूं ही अपने बच्चों को देता है, इसलिए परमेश्वर ने बच्चे हमने हमारे घरों में दिया है हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए कि प्रभु कैसे काम तरीके से काम करता है। हमारे बच्चे कभी भी सामने से डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है ये चाहिए वो चाहिए, ये मम्मी पापा डिसाइड करते कि आज मेरे बच्चे को क्या खाना खिलाना है वो डिसाइड करते। छोटे बच्चे को देखा है आपने, एकदम छोटा बच्चा, वो अपने कपड़े भी नहीं पहन सकता, अपना चेहरा साफ नहीं कर सकता, अपने आप को सुसज्जित नहीं रख सकता, तो उसके माता पिता उसको करते हैं अच्छा ड्रेस पहनाएंगे, वो जो ड्रेस पहनाया गया उसको वो उसने सिलेक्ट नहीं किया, वो ड्रेस उसके माता पिता ने सिलेक्ट किया, वो जो जिस प्रकार से रिबन लगाई उसने फूल लगाया बालों में जो भी है वो उसके माता पिता ने डिसाइड किया है, वो बच्चे ने डिसाइड नहीं किया है। वो पांव में जूते पहने जिसकी आवाज पूंछू 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 आवाज आती है वो कितना अच्छा लगता है, बच्चे बड़े सुंदर चलते हमें अच्छा लगता है, वो बच्चे ने डिसाइड नहीं कि मुझे ये जूता चाहिए, ये उसके माता पिता ने लेके दिया, उसने कुछ भी नहीं मांगा। ये बच्चे ने सिखाया हमें कि प्रेयर क्या है। जी हाँ, प्रेयर क्या है। हम अक्सर प्रभु के सामने बैठकर ये चीजें मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें ये खाना देना पीना देना वो देना, हमें प्रभु के सामने बच्चों के समान बनना है। प्रभु मैं बच्चा हूं, मेरी जरूरत तू जानता है। वो डिसाइड करेगा हमें आज क्या खिलाना है, वो डिसाइड करेगा हमें आज क्या पहनाना है, वो डिसाइड करेगा कि हमें आज क्या करवाना है, क्योंकि लिखा है वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है, मतलब वो डिसाइड करेगा कि कैसा इसको करूं जिसके द्वारा मेरी महिमा हो। क्योंकि बच्चों को देख के लोग माँ बाप की महिमा करते हैं, बोले कितना सुंदर बच्चा है, किसका बच्चा है, क्या बोला जाता है, किसका बच्चा है, कितना सुंदर है, ये नहीं बोला जाता ये बच्चा कौन है, ये बोला जाता है ये किसका बच्चा है, इतना सुंदर बातें कर रहा है, इतना सुंदर गीत गा रहा है। उस बच्चे के द्वारा उसके माँ बाप की तारीफ की जा रही है, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को इतना बेहतर बनाया है। हमारा माँ बाप स्वर्गीय पिता है जिसने हमें इतना बेहतर बनाया है कि हमारे जीवन को देखकर लोग कहेंगे सचमुच इसका बनाने वाला, इसका परमेश्वर महान है। तो प्रेयर ये नहीं होती है कि चीजें मांगना, प्रेयर ये होता है प्रभु के सामने बैठ के, प्रभु बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है, तेरी मर्जी क्या है प्रभु मेरे लिए, तू मेरे जीवन से क्या करना चाहता है, तूने मुझे क्यों चुना है। मैं जब प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करता था प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे तो अगर तूने चुना है तो मेरे जीवन से कुछ छोटा मोटा काम मत करवाना, कुछ ऐसा काम कराना कि तेरे राज्य में उसका बहुत खास रोल हो, खास भूमिका हो, ये करना है तो ही मेरा इस्तेमाल अपनी सेवा के लिए कर। मैं ऐसा बोलता, कुछ तो भी अच्छा काम तेरे राज्य के लिए हो जिससे तू बढ़े और मैं घट जाऊं, ऐसा काम मेरे लाइफ से कर। प्रभु से पूछिए, दैट इज प्रेयर, पूछना तेरी इच्छा क्या है, तूने मुझे क्यों चुना, तूने मुझे इस स्थान में क्यों लाया, तूने मुझे इस स्थान में क्यों पैदा किया। ये पूछने का समय था, ये दुआ का समय था मेरे प्यारों, दरअसल ये जड़ पकड़ने का समय था मेरे प्यारों। हम वचन को कुछ पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे कि ये जड़ पकड़ने का चांस हमारे लिए क्या है। यशाया 37 आइज़ाया चैप्टर 37 37 और वचन 31 हम लोग पढ़ेंगे। 37 के 31 में ऐसा लिखा है, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, जड़ की बात हो रही है, जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। यहूदा के घराने के लोग, जो लोग गुलामी से बच चुके थे, बंधुआई से बच चुके थे, जिनके लोग घरों में जो प्रॉब्लम्स थी बच चुके लोग थे, उनके घरों में प्रभु ने बढ़ने की प्रॉमिस दिया है,
हम देखते नहमिया की पुस्तक में, एज्रा की पुस्तक में, किस प्रकार से यहूदी लोग मुश्किलों में थे, उनके पास कोई साधन माध्यम नहीं बचे हुए थे, मुश्किलों में थे। जैसे यहां पर भी हुआ था, यशायाह की किताब में जो बात बताई जा रही, वहां पर भी हुआ था कि प्रभु का वचन बोलता है कि यहूदा के घराने के बचे हुए लोग जड़ कहां पकड़ी जाती है, जड़ जमीन के नीचे होती है, इस चीज को ध्यान रखना, जड़ जमीन के नीचे होती है, जड़ पकड़ेंगे और आगे लिखा है फूलेंगे फलेंगे, फूलना फलना ऊपर होता है, जमीन एक बीच का पार्ट है, जमीन के नीचे जड़े है और जमीन के ऊपर दूसरा पार्ट होता है, जमीन के ऊपर दूसरा पार्ट होता है। तो पहली बात लिखा है वे जड़ पकड़ेंगे, जमीन के अंदर उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी गहरी और गहरी जड़ें बनेंगी, गहरी जड़ें बनेंगी। उसके बाद जमीन के ऊपर जो वाला भाग है फलेंगे और फूलेंगे, हरे पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे और फल लगेंगे। वजह, पहला काम, वे जड़ पकड़ेंगे। परमेश्वर अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है हम में से प्रत्येक विश्वासी को, ये टाइम है जड़ पकड़ने का, अपने आप को जांचने का, प्रभु मैं तेरे साथ कितना संतुष्ट हूं, मैं तेरे साथ कितना प्रसन्न हूं, मुझे तुझ में जड़ पकड़ना है। जड़ पकड़ने का मतलब यहां पर ये भी होता है कि प्रभु में संतुष्ट होना, प्रभु में प्रसन्न होना। जिस प्रकार एक जो रसगुल्ला होता है चाशनी में डुबाया जाता है और चाशनी को अपने अंदर पूरा खींच लेता है और चाशनी में पूर्ण तृप्त हो जाता है वो रसगुल्ला, है ना। सो ऐसे ही अपना मसीही जीवन यीशु मसीह की चाशनी में तृप्त होना है, तृप्त होना है। ये जड़ पकड़ने का एक कारण है कि मैं जड़ पकड़ू का मतलब होता है कि मैं उसमें इतना प्रसन्न रहूं। अब मुझे कोई कह दे कि भाई तुम्हारा यीशु अच्छा नहीं है या मेरे पास दूसरा कोई यीशु है, तो भाई मुझे कुछ सुनना ही नहीं, सुनना ही नहीं है कि यीशु ने जो मेरे जीवन में काम किया है, यीशु की वजह से जो मैं आनंद पाता हूं, वो आनंद के सामने दुनिया में कितनी भी चीजें खड़ी कर दी जाए वो सब फेल है। ऐसा ही एक वचन इसाया 27:27 में भी लिखा हुआ है, 27 में लिखा है, मतलब जड़ हम नीचे पकड़ेंगे तो उसका फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। इसाया 27:27 में ऐसा लिखा है, वचन 6 लिखा है, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। याकूब जो जिसका नाम है अड़ंगा मारने वाला, झूठ बोला था, धोखा दिया था उसने, है ना, सो उसको भी प्रभु ने मौका दिया है। क्या हम ऐसे विश्वासी हैं ये सोच रहे हैं कि मैं वो समय खो चुका हूं, मेरे पास समय था, मेरे पापों की वजह से, मेरे अपराधों की वजह से, या मेरे लाइफ में कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से मैं वो समय खो चुका हूं प्रभु के पास बैठने का, प्रभु से जुड़ने का, प्रभु से जड़ पकड़ने का, वो समय मैं खो चुका हूं। लेकिन प्रभु बोलता है याकूब, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा, मतलब परमेश्वर अवसर देगा। और मैं बताना चाहता, ये अनुग्रह का समय है और परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया है, मौका दिया है जड़ पकड़ने का। और लिखा है इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा, उसके फलों से जगत भर जाएगा। जी हाँ, परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसे फल का निर्माण करेगा। फल तभी आएंगे जब हम जड़ पकड़ेंगे। कई लोगों ने गलत जगह जड़ पकड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैंने कई विश्वासियों को देखा हूं, कई जगह घूमता हूं, इसलिए मैं जाना हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कलीसिया को विजिट किया, देश में बहुत जगह गया हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने गलत जगह अपनी जड़े बनाने का प्रयास किया। क्या किया, जो लोग कहीं ऑफिस में काम करते थे, बॉस के पास काम करते थे, तो उनका असर था कि मैं, हमारे ऑफिस में 100 लोगों का स्टाफ है, लेकिन मैं अपने बॉस का ध्यान मेरे तरफ कैसे आकर्षित करूं, है ना, मैं उसका फेवर अपने पक्ष में कैसे लूं कि बस मालिक मुझसे खुश हो जाए और मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मेरी सैलरी बढ़ा दे, मेरा प्रमोशन कर दे। तो वह व्यक्ति गलत जगह जड़ पकड़ रहा, अपने बॉस को खुश करना चाह रहा, मतलब बॉस की तारीफ करना, बॉस की हाजी हाजी करना, बॉस के आगे पीछे चलना, बॉस को ये करना, सामने सामने आना, ऐसा करने से उसको लगता है कि ऐसा करने से मेरा बॉस खुश होगा, मुझे प्रमोशन देगा, मेरा फायदा कराएगा। कई सारे लोग परिवार में सम्मान पाने के लिए, परिवार में आदर पाने के लिए, परिवार के लोगों को भी इस प्रकार से वे लोग सम्मान नहीं बोलना चाहिए उसको, वे
उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते कि मैं ये बेहतर हूं। और लोग कहते कि नहीं, ये चारों बेटों में ये वाला बेटा अच्छा है, चार बहुओं में ये वाली बहू अच्छी है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहते ताकि मैं उनके मन में बस जाऊं, उनके फैमिली में बस जाऊं। हम जो मेहनत कर रहे वो गलत जगह कर रहे, जी हम गलत जगह कर रहे। हम बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहे, भले ही झूठ मूठ क्यों ना हो, हम लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे, परिवार को खुश करने की कोशिश कर रहे, दरअसल हम अपने मेन काम को भूल गए। हमें यीशु को खुश करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो प्रमोशन के लिए आपको बॉस के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु प्रसन्न होगा, वो डिसाइड करेगा कि अब ये मेरा बेटा, अब ये मेरी बेटी इस स्थान पे जाके बैठेगी, वो डिसाइड करेगा। जी हाँ, यीशु प्रसन्न होगा तो वो डिसाइड करेगा कि इसकी फैमिली में मैं इसको सम्मान पहुंचाऊं और इसको मैं आदर और प्रेम दूं। यीशु डिसाइड करेगा। जी हाँ, यीशु को डिसाइड करने दीजिए। आप उसमें जड़ पकड़िए, यीशु में जड़ पकड़ना है, दूसरे कहीं पर भी जगह में जड़ नहीं पकड़ना है। जब आप यीशु में जड़ पकड़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या मजा है, क्या आनंद है मसीही जीवन का, बहुत मजा है। एक वचन पढ़ेंगे, कुलुसियो अध्याय दो वचन 6 और वचन 7 हम पढ़ेंगे, अध्याय 2 का 6 और 7, जहां ऐसा लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। वो पहला प्यार याद दिला रहा परमेश्वर, पहला प्यार, जैसे तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। याद है वो पहला टाइम, पहला प्यार प्रभु के साथ, जब हमारा उद्धार हुआ था, प्रभु के साथ हमारी पहचान हुई थी, आमना सामना हुआ था और हम दीवाने बन गए थे यीशु मसीह के, पागल हो गए थे यीशु मसीह के लिए। जी हाँ, जैसे तुमने उसको ग्रहण किया है वैसे ही उसमें चलते रहो, और आगे 7वां वचन बोलता है, और उसी में जड़ पकड़ते रहो। जी हाँ, बात की जा रही है जड़ पकड़ने की, हम जड़ पे ही बात कर रहे हैं आज, अपनी जड़ को मजबूत करना। किस में जड़ पकड़ते रहो, बॉस में, परिवार में, दोस्तों में, नहीं, उसी में, यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। जी हाँ, बाइबल हमें सिखा रही कि हमें यीशु मसीह में जड़े पकड़ना है, वो पहला प्यार याद करना है, और यीशु मसीह में हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना है। प्रभु ने मौका दिया मेरे प्यारों, क्यों हम ये समय को नुकसान का समय समझते हैं? कोई समय नुकसान का नहीं होता, ये प्रभु डिसाइड करता कि विश्वासियों के जीवन में क्या दे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परमेश्वर डिसाइड करता है। तो हमें हर तकलीफ भरे स्थानों में, हर मुश्किल भरे स्थान में हमने आनंद मनाना है, हमने यीशु मसीह की ये सकारात्मक सोच समझना है कि ये मुझे प्रभु ने समय दिया है, मैं प्रभु के साथ समय बिताऊं। बीच में एक आदमी से बात कर रहा था और वो बहुत बीमार हो गया था, काफी टाइम बीमार रहा, तो उससे बात करते उसने कहा कि भाई मुझे प्रभु ने एक समय दिया, मैं बिस्तर पे पड़े पड़े प्रभु के करीब चला, प्रभु के करीब चला, मैं प्रभु को नजदीक तरह से मैं जान पाए इतने दिनों में, जितने दिनों मैंने अभी तक जाना नहीं था मैंने जाना। बीच में एक जवान से बात किया, वो जवान को मसीही सेवकाई की वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था, जेल में चला गया था, उसे कई महीने जेल में रखा। उसने कहा कि जेल में हमसे काम करवाया जाता था, बहुत काम करते थे, और जब उसने कहा कि जब मैं साफ सफाई का काम कर रहा था तो जेल में मुझे एक नया नियम मिला, वो जवान लड़के ने कहा, जेल में मुझे एक नया नियम मिला और वो उसने मुझे वो सामर्थ दिया। मैं उतना वचन कभी नहीं पढ़ता था, उतना बाइबल कभी नहीं जानता था, उतना चीजें कभी करता नहीं था, जेल में नया नियम दिया और नया नियम के माध्यम से मैंने प्रभु का वचन महीनों महीने पढ़ पढ़ के समाप्त कर लिया, जान लिया, और मैंने प्रभु के उन उत्तम भेदों को, उत्तम सेवा को, उत्तम कामों को मैंने सिर्फ जेल के दौरान देखा। मेरे प्यारो, ये नकारात्मक समय को उन्होंने सकारात्मक समय में बदल डाला, कई सारे लोगों ने सकारात्मक भूमिका देखी, प्रभु ने मुझे समय दिया है समय जीने का। मुझे बीच में एक